मैं एक चीज बताऊं बाय द वे, ओजी वालों को बोलो कि सेकंड पार्ट बनाए, क्यों? क्योंकि इस पॉडकास्ट में ना बहुत सारी बातें करी गई थी, हम लोग 40-45 मिनट्स में वो सारी बातें ये लोग नहीं डाल सकते थे, बट एक्चुअली द पॉडकास्ट इज इवन बिगर. वी हैव टेकन लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट थिंग्स प्रॉपरली, ब्लंट तरीके से, टेकिंग नेम्स, टेकिंग द कॉन्वर्सेशंस. द एक्चुअल पॉडकास्ट इज इवन बिगर एंड ट्रस्ट मी, जो उस पॉडकास्ट को ध्यान से सुन लेना, अबाउट हाउ द कास्टर्स आर एक्सप्लॉयटेड. एक्चुअली जो पॉडकास्ट बना था अबाउट हाउ कास्टर्स आर एक्सप्लॉयटेड, लाइक कास्टर्स को एक्चुअली उनके हक के पैसे नहीं मिलते हैं. कास्टर्स आर द फेस ऑफ द टूर्नामेंट, स्टिल देर आर टीओस जो कि ये सोचते हैं अरे कास्टर्स क्या होते हैं, कास्टर्स की औकात क्या, ये बोला जाता हमारे मुंह पे, ये भी बोला जाता है, हर किसी के मुंह पे बोला जाता है कास्टर्स की औकात क्या, चार कास्टर्स उठा करके कड़क से उठा करके कास्टिंग करवा लेंगे, वो सब चीज़ों की बात करी थी. बट चलो वो नहीं डाला गया बिकॉज ऑब्वियसली टाइम का इशू था. बायस्ड कास्टर राज भाई एक बात बताओ, ठीक है, जिन टीम्स की हम बात करते हैं अच्छी उनको कुछ नहीं होता, जिन टीम्स की हम बात करते हैं खराब उनको कुछ नहीं होता, तुम्हारे पिछवाड़ में कौन से चमूने काट जाते हैं मुझे एक बात बताओ. तुम्हें बायस कास्टिंग लगती है? नहीं मतलब सच भाई, साइकिल चलाए पूरी जगह. अगर अगर क्रिकेट में भी विराट कोहली खराब खेला, ठीक है चलो कल 200 मारी, बट स्टिल जस्ट टेकिंग एग्जांपल, क्रिकेट में विराट कोहली खराब खेला, कमेंटेटर्स आर फ्री टू से कि नहीं भाई शायद उसका दौर नहीं चल रहा है, शायद चीजें खराब हो चुकी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मे बी ग्रो अप टू ऑल द किड्स, मे बी ग्रो अप एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट? आई मीन इफ इट इज लाइक अ मैच्योरिटी थिंग फॉर यू, आई मीन इट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर पीपल टू ग्रो अप, आई थिंक सो. आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे ग्रो अप, आई एम प्रीटी श्योर बोलते होंगे, क्योंकि जैसे आपके ओपिनियंस आपके पेरेंट्स को बोलना तो चाहिए, आई होप सो. बट कौन सा अपने पेरेंट्स से सुनते हैं आजकल के जनरेशन में?